सबने आपको सबको और सबको बताया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, श्री काशीराम जी ने, हमारी बहन जी ने कितनी मेहनत और कितना संघर्ष किया है हमें यहाँ खड़ा करने के लिए। मैं ये सारी बातें दोबारा नहीं दोहराऊंगा, परंतु बस कुछ दो चार बिंदुएं लेके आया हूँ जो मैं अपने सब साथियों से शेयर करना चाहता हूँ। ये नारा जो है शासन प्रशासन और अनुशासन, इसका मतलब है आप जानते हैं जब बहन जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी तो उन्होंने क्या काम किया था जानते हैं? नहीं, हम श्योर आप सब जानते होंगे, बट यहाँ पे जितने भी युवा बच्चे आए हैं उन सबको जो हमारी उम्र के हैं, हम तो बहुत छोटे थे तब, तो इन सबको बताने के लिए हम थोड़ा सा लेक्चर देंगे। जब पहली बार बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी, पहले दो महीनों में उन्होंने गैंगस्टर एक्ट इम्प्लीमेंट किया था और 1,45,000 हिंदुओं को पहले दो महीनों के अंदर अंदर जेल में ठोका। हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हिंदुस्तान को दिखाया कि शासन प्रशासन और अनुशासन क्या होता है, इसलिए ये नारा। कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी इस पार्टी को खड़ी करने में लगा दिया, आप सबको एकजुट करने में लगा दिया। वो एक एग्जाम्पल देते थे, एक छोटे से पेन का, आज एक पेन लेके आया हूं। जब ये मुझे पता चला तो दिल टूट गया कि हम इतनी संख्या में हैं और हमारा राजा नहीं। वो कहते थे कि ये तुम हो 85% जो हिंदुस्तान की किस्मत लिखता है, इस पे राज करने वाला ये 15% का जो तुम्हें रोकता है। अब ये बताइए क्या उनकी बात सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बात भी सही है, उन्होंने सही कहा था। परंतु बहन जी ने, काशीराम जी ने जिस चीज के लिए काम किया वो काम ये पेन है। दूसरा, इसमें ढक्कन नहीं है, इसमें लिखने के लिए ताकत नीचे से 85% के पास। आप सुनाओ, उन्होंने, उन दोनों महापुरुषों ने ये काम किया, आपको बताया कि आपको किसी को किसी की जरूरत नहीं है, आप आपके हाथ में आपकी ताकत है, आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। अंबानी है, अडानी है, हम इनको कितना क्रिटिसाइज करें? ठीक है, सबने कमाया, सबने मेहनत करी, किसी ने धोखा देके किया, किसी ने ईमानदारी से किया, हम लोग पीछे रह गए। परंतु अब ये आज के जमाने में पीछे रहने की जरूरत नहीं है। मैं आज जानबूझ के सूट बूट में आया हूं, कहने को तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी बहुत पिछड़े वर्ग, हमारे वर्ग से, बहुत गरीब परिवार से थे, बट क्या आपने उन्हें कभी उनकी फोटो देखी है बिना सूट बूट के? आप अमीर, आप शासन का तब चला सकते हैं जब आप फील करते हैं भाई, आप जब कपड़ा पहनेंगे, जब आप बात करेंगे, जब आप समाज में निकलेंगे एकजुट होंगे, तब आप समाज को समाज पे राज कर सकते हैं। और यही चीज हमने सीखी है, यही चीज हमने बहन जी के पीछे खड़े होके पोडियम से सीखी है। उन्होंने कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत करी, हमने, हम तो अभी बच्चे हैं और आप सभी के बच्चे हैं कि हम अभी तक जमीन पे नहीं उतर पाए। परंतु 2003 से हमने उनको देखा है, जब से होश संभालता है, कि कितनी मेहनत लगती है, कितनी दिक्कतें आती हैं उस गलती तक पहुंचने के लिए और अपने लोगों की मदद करने के लिए। उस चीज से प्रेरित होके हम बहन जी के साथ पूरी जी जान से लगे।
और मैं आज हम सभी युवाओं को बताना चाहता हूँ कि ये कोई आसान मूवमेंट नहीं है, ये कोई आसान मिशन नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने कल अब हमारी दूसरी मीटिंग में बोला कि जो आप 10 साल में नहीं कर पाए वो हम अगले 4 साल में करेंगे। मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम मेहनत करने से डरते नहीं हैं। यहाँ पे बहुत लोग बोलते हैं और सोचते हैं कि युवा लोग सिर्फ ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पे काम करना जानते हैं, तो हम युवाओं की तरफ से बोलना चाहते हैं, मौका दीजिए और हम आपको बताएंगे कि कैसे मूवमेंट और मिशन को आगे बढ़ाया जाए। बहन जी ने सबको ये मौका दिया है, मैं अकेला नहीं हूँ, पार्टी के हर पदाधिकारी, हर कमेटी में 85% युवाओं को दिया है। आप सबको बराबरी का हिस्सा मिला है, अब आप सबका काम है आगे बढ़ के, आगे चढ़ के इस मिशन को आगे बढ़ाने का। हम अकेले नहीं हैं, बड़े लोग आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा हम पे, और हम युवा लोग पूरी दिन रात मेहनत करेंगे इस पार्टी को आगे बढ़ाने की। आकाश सानंद युवा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आकाश सानंद युवा भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब इस पार्टी को आगे कैसे बढ़ाया जाए, मिशन को आगे कैसे बढ़ाया जाए, बहन जी ने और हमारे सारे बड़े नेताओं ने ये कितनी बार आप सबको बताया है कि कैडर लीजिए, लोगों को छोड़िए। अब 4 साल में सरकार बनानी है, ऐसे तो नहीं बन जाएगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आप लोगों को, सब युवाओं को, बड़ों को पार्टी के मूवमेंट, पार्टी के मिशन के बारे में बताना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के संघर्ष के बारे में बताना है, कांशीराम जी के संघर्ष के बारे में बताना है, जो तरक्की यूपी ने 2007 से 2012 में देखी उसके काम के बारे में बताना है। ये सब आप सब को आप सब जानते हैं, आप सब के पास इंटरनेट है, गूगल है और हमारे इतने सारे पार्टी ऑफिस हैं जहाँ पे आपको ये सारी डिटेल मिल जाएंगी। अब आप लोगों को, हर युवा को, हर घर में, हर बड़े को बताना होगा कि ये क्या मिशन है, और उन सब को कैडर कैंप में लेके आना होगा, बंद दरवाजे में। ये खुले में कैडर कैंप नहीं चलता है। मैं तो बहुत कम में गया हूँ, बहन जी के साथ ही गया हूँ, अपने फादर के साथ गया हूँ, रामजी गौतम जी के साथ गया हूँ, देखा है बहुत छोटे छोटे कमरों में बताया जाता है। आप सभी को छोटे छोटे कैडर कैंप देने होंगे, उनको पार्टी में जोड़ना होगा और ऐसे धीरे धीरे करके अगले 4 साल में अपनी सरकार खड़ी करनी होगी। अब यहाँ पे मैं अपनी बात बस एक लाइन से खत्म करना चाहूँगा। कांशीराम जी ने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बहुत दबंग ही बात बोली थी। अब हम जब युवाओं को दबंग बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर सॉफ्ट है, बचपन बहुत सॉफ्ट है, वो आगे चढ़ के नहीं लेती है हिस्सा, गुंडा शोर शराबा नहीं करती, वो इसलिए नहीं करती क्योंकि हमारे तेवर ऐसे नहीं, हमारे तरीके ऐसे नहीं है, पर हमारे तेवर वही है, दबंगों वाले। वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, श्री कांशीराम जी ने बोला था हमें सत्ता में हिस्सेदारी नहीं चाहिए, हमें सत्ता में हिस्सेदारी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें पूरी सत्ता चाहिए भाई लोग। आप 85% हैं, बोलिएगा मत, पूरी सत्ता चाहिए। हिस्सेदारी में नहीं विश्वास रखते हम, कुर्सी हिलाने में विश्वास नहीं रखते, क्योंकि जब कुर्सी हमारी है तो हिलाने वाले की हिम्मत क्या। बस अब इसी बात के साथ मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें
कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।